आज के समय में सबसे जरूरी स्किल क्या है, बोलना। आप किस तरीके से बोलते हैं, किस तरीके से व्यवहार करते हैं, इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट चलेगा, आपका ब्रांड चलेगा, कि आप मार्केट में चलोगे कि नहीं चलोगे। आज के समय में आप अच्छा बोल सकते हो ना तो आप कहीं भी चल सकते हो, कहीं भी दौड़ सकते हो। इसलिए आपको कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, लोगों के सामने अपने आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में आपको लोगों तक क्या बात पहुंचानी है। जिस तरीके से आप बोलते हैं ना, उस पर ही लोग आप पे इन्फ्लुएंस होंगे, आपसे बात करेंगे और आपको आगे प्रेफरेंस देंगे कि इनका प्रोडक्ट लेना चाहिए, ब्रांड लेना चाहिए। तो सबसे पहले क्या दिखता है, आप सबसे पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करोगे तो सबसे पहले आप अपने बोलने से ही शुरुआत करोगे। तो जहाँ पे बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ सबसे पहले बिचती है ना, वो बिचती है आपका बोलना। आप अगर अच्छे से बोल सकते हो, अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो, तो आप मार्केट में चल जाओगे, आप मार्केट में दौड़ जाओगे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको मार्केट से मिलेगा। इसलिए बोलना बहुत ज़रूरी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलना आना चाहिए। अगर बोलने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसको बोल बोल के पढ़ो, किताबें जो पढ़ते हो उसको बोल के पढ़ो, आप कुछ वीडियोज़ देख रहे हो, सबटाइटल पढ़ रहे हो, तो उनको बोलने की कोशिश करो। तो इससे क्या होता है कि आपकी बोलने की जो स्किल है वो सुधरती है, आपके जो वर्ड्स हैं वो क्लियर होते हैं, आपकी जो वॉइस है वो तेज़ होती है, कॉन्फिडेंस आता है, और आप मॉर्निंग में उठ के कुछ अपने आप से बातें कर सकते हैं, किसी टॉपिक पर आप एक पैराग्राफ बोल सकते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि आपकी जो बोलने की स्किल्स है वो सुधरती है, उसमें इम्प्रूवमेंट होता है और उसमें आपका कॉन्फिडेंस आता है, आपके जो वर्ड्स हैं वो क्लियर होते हैं, आपकी वॉइस है वो क्लियर होती है, एक कॉन्फिडेंस झलकता है। इसलिए कम्युनिकेशन में है कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपकी बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो आपका प्रोडक्ट भी नहीं चलेगा, आपका ब्रांड भी नहीं चलेगा। आपने देखा होगा स्टेज पर बहुत सारे स्पीकर होते हैं, लीडर होते हैं, कुछ लीडर्स तो बहुत अच्छे तरीके से लोगों को बांध देते हैं, लोग ताली बजाते हैं, वाहवाही करते हैं, मगर कुछ स्पीकर जो रहते हैं बहुत ही नॉर्मल तरीके से डलनेस में बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक जो सुनने वाला होता है, श्रोतागण होता है, वो उससे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता है, इंटरेक्शन अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है और एक लिंक टूट जाता है जे ना वो आपके साथ। तो आपको क्या होगा कि इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप बोल पाएंगे और उतना अच्छा आप लोगों से रिस्पॉन्स ला पाएंगे। रिस्पॉन्स लाने के लिए आपको अपने आप पर काम करना पड़ेगा, इस स्किल पर काम करना पड़ेगा। आपने अगर इस स्किल पर काम कर लिया ना, तो डेफिनेटली आप मार्केट में दौड़ जाएंगे। आप आज के समय में देख सकते हैं, जो जितना अच्छा बोल रहा है ना, वो उतना अच्छा मार्केट में चल रहा है। आज के समय में क्या हो रहा है, जो अच्छा बोल रहा है ना, वो मार्केट में चल रहा है। जिस चीज़ को आप गौर भी कर सकते हैं, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, बहुत सारे चैनल्स पर देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा कि यार हो क्या रहा है एक्चुअली में। जो जितना अच्छा बोल रहा है, लोगों से कॉन्टैक्ट कर पा रहा है, वो आगे बढ़ते जा रहा है, और जो पीछे रह रहा है, जो नहीं बोल पा रहा है, जो नहीं कुछ कर पा रहा है, वो पीछे ही रह जा रहा है। ऐसा नहीं है, आपको बोलना सीखना ही होगा अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आज के समय में बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, जिससे कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधार सकते हैं, अपनी बोलने की कला में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि किस तरीके से आपको लोगों से बोलना है, स्टेज पर बोलना है, व्यवहार करना है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे बहुत ही बारीकी से सिखाएंगे और समझाएंगे। जितना मुझसे होगा मैं सिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं भी अभी एक लर्नर फेज में हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ कि किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, किस तरीके से लोगों से व्यवहार करते हैं। और कोशिश रहती है कि हमेशा कुछ वीडियो में नया लेके आऊँ, कुछ नया बताऊँ और कुछ नया आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए। इससे होता है कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का, और जल्दी जल्दी वीडियो बनाने का मोटिवेशन आता है और समझ में आता है कि हाँ लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है, लोग चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वो लोग सुनना चाहते हैं। तो एक क्या होता है, एक माइंडसेट होता है कि यार थोड़ा सा और मेहनत करनी चाहिए और जल्दी जल्दी वीडियो लानी चाहिए और अच्छा कंटेंट करना चाहिए। अगर आप भी ऐसा कुछ चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप कर सकते हैं, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, किस तरीके से लोगों से चीज़ें करना है, लोगों से रिस्पॉन्स लेके आना है। थैंक यू।